पंडित जी, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद ऐसी पुरानी याद आती है। बहुत पुरानी रिकॉर्ड की थी मैंने। इस समय आपकी आयु क्या होगी? 77 वर्ष। 77 वर्ष? ओहो, ये मेरे ख्याल से मैंने 5-6 साल पहले इसको रिकॉर्ड किया था। और कोई आपकी पहले पुराने जमाने की कोई तस्वीर होगी जिसे हम देख सकते हैं? अवश्य। आपके 25 यवन काल की? हाँ, 25-30 वर्ष की उम्र की है। हाँ, ग्वालियर की पगड़ी है। हाँ, मेरे ख्याल से ये तो इसमें तो आप करीब 25-30 वर्ष लग रहे हैं। और ये पगड़ी जो है पंडित जी, ये ग्वालियर की पेशवाई की है। ये पेशवाई मतलब कोई ब्राह्मणी पगड़ी जिसको कहते हैं, वो तो नहीं? वही है। हाँ, ब्राह्मण इसको पहना करते थे। वही। और इसकी लंबाई जो है 150 हाथ है। 150 हाथ। अच्छा, और कोई दूसरी तस्वीर? हाँ, दूसरी वो साफे का भी है। और साफे की? अच्छा। और हाँ, ये मुल्तान में। अच्छा, इसके साथ तो तानपुरा भी है। हाँ, तानपुरा, लेकिन मुझे वहाँ राग सभा थी मुल्तान की, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस होती वहाँ। हर साल करते थे जी। हाँ, तो वहाँ आप गए थे? और भी कलाकार? बहुत कलाकार, काफी कलाकार। हाँ, बहुत। अच्छा, तो वहाँ गाने बनाने का, गाने बजाने का माहौल है? हाँ, काफी बहुत मुल्तान में। हाँ, मुल्तान में। जी पंडित जी, जी। आपके घराने के बारे में जी। और खास तौर पे ग्वालियर के घराने के बारे में कुछ जानकारी मैं जानना चाहता हूँ। जैसे ये ग्वालियर का घराना जो है, वो कब से और किससे शुरू हुआ, कुछ कह सकते हैं? राजा मानसू तोमर जी, 500 बरस हो गए जो किला उन्होंने बनाया है। जी हाँ। वो संगीत के इतने प्रेमी थे, राग दर्पण और दूसरा जी हाँ, दो ग्रंथ उन्होंने भी बनाए हैं। और उस वक्त बहुत कलाकार थे। यहाँ तक थी कि एक गुजरी थी, उसकी आवाज के ऊपर खुश होकर उन्होंने उसकी शादी करी। अच्छा, गुजरी? गुजरी महल, गुजरी तोड़ी जो है वो उसी के नाम पर है। उसी के नाम पर उसकी आवाज और गाने को बड़ी ये थी, ताकतवर इतनी थी। हाँ। कि वो दो पड़े लहरते थे तो एक हाथ में दोनों सींग पकड़ के उसने ये कर। अच्छा, वो राजा, वो तासीर थी उसके गले में, गले राग में, और शरीर में भी ये तासीर थी। अच्छा, कि दोनों की लड़ाई में जाके दोनों को अलग कर दिए। जी हाँ, तो वहाँ से आपका ग्वालियर घराना प्रारंभ होता है। 500 वर्ष। और उसमें कौन स्तंभ जो होते हैं वहाँ, फिर वैसे कौन थे? फिर तानसेन, संगीतज्ञ तानसेन भी हो गए वहाँ। वही हाँ, जलम स्थान उनका वही है। जी हाँ, 28 वर्ष के। हाँ, सिलसिला तो वहीं से शुरू होता है तानसेन। हाँ, तानसेन। और फिर उसके बाद में फिर पीरबख्श, नत्थन पीरबख्श जो है जी, वो फिर ग्वालियर में आए। दुखा सुखा नत्थुखा, ये तीनों भाई, उन्होंने उनकी परंपरा, फिर सुखा ने 3 शिष्य बनाए। जी हाँ, बाबा वो सदारंग अदारंग जिनके नाम से वो ख्याल बनाए, वो उनके परंपरा से, उन्हीं की परंपरा से। अच्छा, तो ख्याल का खास वहाँ घराना रहा। और उसके पहले तानसेन के जमाने से वहाँ ध्रुपद चलता होगा। जी हाँ, तो कोई ऐसे कोई खास एक छाप है जो कि हम कह सके कि हाँ, ये ग्वालियर अंग का ये निशानी है, ऐसे कोई ख्याल होंगे वहाँ पर? कुछ एक नमूना आप पेश कर सकते हैं? Bye.
अच्छा ये विलंबित ख्याल। और ये खास बात ग्वालियर की ये होगी कि बहुत विलंबित नहीं होता है बल्कि ठेका भी समझ में आता है और उसके बंदिश भी, बंदिश की रचना जो है बहुत ग्रहण का रहने से उसका उतना माधुर्य पड़ा चला जाता है। अच्छा ये तो रहा विलंबित ख्याल का, द्रुत ख्याल का कोई खास एक नमूना पेश करना? तराना भी है, वो ये भी है, तराना तराना भी। अच्छा और एक पंडित जी, वो ग्वालियर में मैंने सुना था कोई टप ख्याल होते हैं, यानी टप्पा और ख्याल ऐसे मिला जुला एक मिश्रण, ख्याल अंक के टप्पे हैं, ख्याल अंक के टप्पे, ख्याल अंक। अच्छा उसका एक नमूना पेश हो। दिल जा माहे ले गए जानी रे बजा हाय ने का होसे ने दो ये दिल जा बाप ये बात दिल दा अच्छा ये टप्पा और टप्पे भी मशहूर हैं। हाँ टप्पे भी अलग से। टप्पे का क्या खास ये रहा, क्योंकि टप्पे में तो बोली जो है वो पंजाबी, पंजाबी बोली होती है और कोई, लेकिन उसके उसके जो चलन है जी वो बहुत अलग है। उसके टप्पे अंकी, उसके शब्द पंजाबी रहेंगे, शब्द तो पंजाबी रहेंगे लेकिन तानों को भी बहुत मुर्कियाँ और झटकेदार ताने। अच्छा कोई ऐसे टप्पे भी हम सुन सकते हैं जिसमें कि पंजाबी शब्द न हो, न रहे हो? ऐसा नहीं। अच्छा सर एक टप्पे का नमूना थोड़ा सा। चाल पे चाली, चाल पे चाली को किसने जरांदा जाने गाना सुनने के बाद तो हम करीब न मालूम कितने वर्ष पहले पहुंच जाते हैं। पंडित जी वैसे आपके पिताजी जो हैं स्वर्गीय शंकर, शंकर गायनाचार्य शंकर पंडित जी, ये छोटपन से हद्दू खां साहब के पास रोज गाना सुनने को जाते थे। एकनाथ पंडित, गणपत राव, तीनों भाई है जी, वह चार पांच साल उनके पास जाते थे। अच्छा हाँ हद्दू खां साहब जब 3 घंटे 4 घंटे गाए बगैर वो कभी रहते नहीं थे, उनका सुनने के लिए जाते थे। और उनकी शिष्य मंडली भी काफी बहुत रही होगी क्योंकि आजकल। अच्छा पंडित तो जी वहाँ सुनने के लिए आते थे और फिर उनका इतना प्रेम हुआ कि वो कोई जलसे में जब गाते थे पहले शंकर शंकर जी से एक चीज जी सुनकर उनका कौतुक कर और फिर आप गाने के बैठते। अच्छा पंडित जी यहाँ दिल्ली में जो राष्ट्रपति पुरस्कार जो दिए गए थे उसमें भी आप आपको मुझे 59 में जी एक राष्ट्रपति जी का ये संगीत का पुरस्कार है, मेरा नहीं है। हाँ संगीत अच्छा ग्वालियर प्रेसिडेंट अवार्ड। हाँ हाँ वाह वाह, इसमें राष्ट्रपति जी ने मेरे ख्याल से कोई शाल या शाल, कश्मीरी शाल जी और सोने का कड़ा। अच्छा अच्छा और सनद सनद भी देती था प्राचीन संगीत को पुरस्कार। अच्छा इसके अतिरिक्त ग्वालियर में कोई तानसेन उर्स भी तो मनता है। हाँ तानसेन उर्स भी आज 50 बरस से हम गुणीजन पहले बनाते थे जी, फिर माधवराव महाराज जी ने कैलाशवासी उन्होंने एक बजट बना के जी उसका
एक शरत दो तीन दिन बनता था। ये आजकल ग्वालियर में काफी उसके चर्चा भी होती है, हर साल बड़ा होती है, बहुत बहुत बड़ा हुआ है। जी उस वक्त मैंने उस मजर के ऊपर आपने फूल चढ़ाए थे? उसको फूल नहीं, मैंने उद्घाटन किया। अच्छा, उद्घाटन किया था, मतलब उद्घाटन में चादर चढ़ाते होंगे? नहीं, माला चढ़ा के उद्घाटन। जी हाँ जी हाँ। अच्छा पंडित जी, जी ये तो खैर रही चर्चा, अब मैं चाहूँगा कि मेरी ये विनंती है कि कोई खास ग्वालियर घराने की ऐसी कोई चीज आप सुनाएं जो कि किसी ने सुनी नहीं होगी, या आप भी उसको शायद कमी गाते होंगे, ऐसी कोई नई चीज किसी राग में। मेरे दो तीन इसके वो भी आपको बताऊंगा। सितारा शिवाजी छत्रपति महाराज के मंदिर में जी, मेरा और खान साहब अब्दुल करीम खान साहब जी, और बालकृष्ण बुआ जी का जी, तीनों का अच्छा अच्छा उनके मंदिर में हुआ था, गाना हुआ। ऐसे ही अमृतसर कॉन्फ्रेंस के वक्त तीनों एक साथ गाए? नहीं, साथ में नहीं। अच्छा, अलग अलग, मैं पहले गाया। अच्छा, फिर बाद में अब खान साहब अब्दुल। अच्छा, कौन सी चीज है वो, जरा सा कौन सा राग गाया होगा आपने वो? उस वक्त का तो इतना याद नहीं रहेगा, सन 12 की ये जितना है। जी हाँ, सन 12। तो मैं चाहूंगा कि कोई ग्वालियर का खास और आपके पसंद का कोई अगर राग हो तो वो जरा सुनाइएगा, एक उसके बाद थोड़ा नमूना। उसके बाद में अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी जी हाँ, महात्मा जी के इसमें जी हाँ संगीत की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें विष्णु दिगम्बर जी ने और बहुत गुणीजन आए थे जी जी, वहाँ भी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और अमृतसर कांग्रेस पंडित जी, वो मुझे अब झट से याद आ गया कि शंकरा में एक आपकी कोई चीज है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से ये करते हैं, वो जरा सुनाने का कष्ट कीजिएगा। Oh my God.
महादेव महादेव।